अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना सिखा रही हूँ आपको चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस आज हम बनाएंगे कोको पाउडर से, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट हम आज की सॉस की रेसिपी बनाएंगे। और इस सॉस को हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ डेजर्ट्स में चॉकलेट के ऊपर। आज इस तरह मैं इसको यूज़ करूँगी चॉकलेट पाउंड केक के ऊपर। और इस तरह से हम मुख्तलिफ रेसिपीज में इस चॉकलेट डिप को यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट सॉस की आज की रेसिपी पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें हम बनाते हैं चॉकलेट सॉस। तो हमें चॉकलेट सिरप के लिए चाहिए 1 कप मिल्क, 1 टेबल स्पून बटर, अनसॉल्टेड या सॉल्टेड आपकी मर्जी है, और 1/4 यानी कि 4 टेबल स्पून है मेरे पास कोको पाउडर के, और 1/4 ही कप है मेरे पास शुगर, यानी कि कोको पाउडर और शुगर जो है सेम क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ। और 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ मैं कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं एक सॉस पैन लेती हूँ। सॉस पैन में, और अच्छा हाँ, साथ ही मुझे चाहिए वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स या फिर मैं चॉकलेट एसेंस के, तो मैं यहाँ पर जो है ना चॉकलेट एसेंस ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप मिल्क। अब इस 1 कप मिल्क में ऐड कर रही हूँ मैं ये बटर। इन सारी चीज़ों को मैं ऐड कर चूल्हे पे बस ज़रा सा पकाऊंगी ताकि ये चीज़ें अच्छे से एक जान हो जाएं और एक अच्छा सा सिरप बन जाए। अच्छा, तो इसी में हम ऐड कर लेते हैं शुगर। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके जो है ना चूल्हे पे रख रही हूँ ताकि इस मेरे जो है ना लम्ब्स ना बन जाएँ, इसीलिए मैं नॉर्मल जो मिल्क है मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर उसी पे मैंने अभी जो है ना सारा कोको पाउडर और कॉर्न स्टार्च इन सबको जो है ना इस डिजोल्व कर लिया है। बस अब मैं इसे जो है ना हल्की आंच पे जो है ना इस सिरप बनाऊंगी। ये देखें, अब जो है हम इसको चूल्हे पे रखकर पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखें चॉकलेट सिरप का जो है कलर चेंज हो रहा है और जो बटर और जो चीनी थी वो मेल्ट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ इस टाइम पे आप जो है शुगर को चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको शुगर इसमें कम लगे अपने हिसाब से तो आप इस टाइम पे शुगर और ऐड कर सकती हैं मज़ीद अपने हिसाब से, 1/4 कप और ऐड कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये कोको पाउडर से जो है ना चॉकलेट थोड़ी सी मतलब डार्क चॉकलेट स्टाइल में कड़वी हो रही है तो आप इसमें हल्का सा और जो है ऐड कर लें शुगर ताकि जो है ये हल्की सी आपको कड़वा टेस्ट ना दे। तो दैट्स इट, मैं इसे और 5 मिनट तक हल्की आंच में पकाऊंगी ताकि एक अच्छा सा थिक सा सिरप बन जाए। ये देखें चॉकलेट सिरप जो है इस तरह से हल्की सी थिक हो चुकी है और जो है ये अब रेडी है। अच्छा, अब देखें हमने इसे बहुत ज़्यादा जो इससे जो है ना हमने इतना ही हल्का सिरप स्टाइल में रखना है, जैसे हमें इसे सिरप ही रखना है क्योंकि हम ज़्यादा अगर हम इसे थिक करेंगे तो हम इसे ठंडे होने के बाद पोरिंग करने में प्रॉब्लम होगी और चॉकलेट सिरप जो है वो थोड़ा पतला ही होता है, लाइक गनैश नहीं होता वो, तो इसी वजह से बस अब हम इस टाइम पर चूल्हे को बंद कर लेते हैं क्योंकि जो है ये ठंडे होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट सिरप को जो है मैंने उतार लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका शाइनी इसका है चॉकलेट सिरप बनी है। इसको मैंने टोटल बस 5 मिनट पकाया है और ये देखें इस तरह से अभी ये बिल्कुल गर्म है बट ये हल्की हल्की सी थिक है लाइक सिरप, और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि चॉकलेट जो है ठंडे होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो ये चॉकलेट सॉस जो है तैयार है। आप इस चॉकलेट सॉस को यूज़ करें किसी भी डेजर्ट में या फिर डोनट्स के ऊपर या फिर चॉकलेट टॉपिंग में, आइसक्रीम टॉपिंग में, किसी भी इस चीज़ में आप ये चॉकलेट सॉस जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर कर लें और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।